गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स. बेटा योर न्यू टॉपिक इन ग्रामर इज द प्रेपोजिशन लेसन 8. व्हाट इज प्रेपोजिशन? डेफिनेशन शुरू से पढ़ते आए हो, लर्न भी किया होगा, लेकिन थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए बेटा. देखिए नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव सब तमाम स्टडी किया है आपने वर्ग. अब प्रेपोजिशन क्या है इसको ऐसे समझिए आप कि ये किसी नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन बताता है सेंटेंस के किसी दूसरे वर्ड से. अब वो दूसरा वर्ड कोई नाउन या प्रोनाउन भी हो सकता है, वर्ब हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, यानी ये तो सही है कि एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन ये बताता है दूसरे सेंटेंस के दूसरे किसी भी वर्ड से. ठीक है, अब आप देखिए जब मीनिंग समझ के डेफिनेशन लर्न करेंगे ना बेटा तो जल्दी लर्न होगी. अ प्रेपोजिशन इज अ वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर अ नाउन और अ प्रोनाउन टू शो द रिलेशनशिप ऑफ द पर्सन और अ थिंग डिनोटेड बाय द नाउन और प्रोनाउन टू अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस. ठीक है, एक चीज और बताऊं, हम लोग इसको कहते हैं प्रेपोजिशन. यदि इसको हम टू सिलेबल्स में ब्रेक कर दें, पी आर ई को अलग कर दें, पोजिशन को अलग कर दें, तो पी आर ई को दी प्री हम लोग रीडिंग करें. प्री पोजिशन, प्री मीन्स पहले, भाई प्री पेड पोस्ट पेड सब जानते हो तुम लोग ना, तो प्री मीन्स पहले, पोजिशन जान ही रहे हो, तो प्री पोजिशन मतलब जिसकी पोजिशन पहले हो, जिसका प्लेस पहले हो, तो वो प्रेपोजिशन हो गया. ठीक है, बोलने में हम लोग प्रीपोजिशन नहीं बोलते हैं, प्रीपोजिशन भी बोले तो रॉन्ग नहीं है, लेकिन इन जनरल हम लोग कहते हैं प्रेपोजिशन. कहते हैं तो मतलब हुआ इसका कि ये नाउन या प्रोनाउन के बिफोर, नाउन या प्रोनाउन के पहले इसका प्लेस होता है, इसीलिए इसको प्रीपोजिशन हम लोग कहते हैं. और नाउन या प्रोनाउन के पहले ये आएगा और एक नाउन या प्रोनाउन का रिलेशन ये बताएगा सेंटेंस के किसी भी दूसरे वर्ड के साथ. ठीक है, तो जैसे एग्जांपल देखिए, देयर इज अ बुक इन द बैग, आपकी बुक का एग्जांपल है. यहां एक बुक है बैग में, तो बुक और बैग का रिलेशन बताया जा रहा है कि बैग में बुक है. ठीक है, इन वर्ड रिलेशन बता रहा है. भाई बुक जो है वो बैग के ऊपर भी हो सकती थी, बुक जो है बैग के बगल में भी हो सकती थी, बुक बैग के नीचे भी रखी हो सकती थी. तो रिलेशन कहाँ है, बुक कहाँ है बैग के, तो ये रिलेशन बताने का काम कर रहा इन, इसलिए इन हो गया प्रेपोजिशन. और देखिए ये इस नाउन के पहले इसका प्लेस है. ठीक है, और एक बात यहीं पर मैं बता दूं कि प्रेपोजिशन के बाद, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट आया है ये क्या है, या ऐसे समझ लो कि प्रेपोजिशन के बाद जो नाउन या प्रोनाउन आया है उसे हम कहेंगे ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन. द बैग क्या है, प्रेपोजिशन के बाद आया है, तो द बैग जो है वो क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रेपोजिशन इन, इस प्रेपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब देखिए आगे मेन पॉइंट पर आइए. अभी अभी हमने आप लोग को ये बताया, प्रेपोजिशन जो है अभी हमने यूज दिखाया कि वो
अपने ऑब्जेक्ट के पहले प्लेस किया गया है। लेकिन यदि ऑब्जेक्ट जो है वो इंट्रोगेटिव प्रनाउन है, ध्यान दीजिए, एग्जाम्पल भी देखिए, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या ढूंढ रहे हो, तो यहाँ पे व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव प्रनाउन है। और किस चीज के लिए आया है, ऑब्जेक्ट के लिए आया है, यू यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो यदि इंट्रोगेटिव प्रनाउन का यूज हुआ है ऑब्जेक्ट के लिए, उस कंडीशन में प्रेपोजिशन सेंटेंस के लास्ट में आता है। देखिए, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, ये व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव प्रनाउन है, ठीक है। और ये इंट्रोगेटिव प्रनाउन किसके लिए आया है, ऑब्जेक्ट के लिए आया है। तो जब ऑब्जेक्ट के लिए इंट्रोगेटिव प्रनाउन का यूज हुआ है तो प्रेपोजिशन लास्ट में आएगा, तब प्रीपोजिशन वाला फार्मूला नहीं अप्लाई होगा, उस स्थिति में प्रेपोजिशन लास्ट में। देखिए, जानते हैं केवल देखने से नहीं होता है, इन सब सेंटेंस को आप मन में रीडिंग करिए, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज भी स्ट्रांग होगी और आपको ये समझ में आएगा कि ये बात मुझे इंग्लिश में कहनी थी, मैं कैसे कहूँ। व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, तुम क्या ढूंढ रहे हो, मान लीजिए आपकी मम्मी कुछ ढूंढ रही हैं, आपको नहीं पता, तो आप क्या कहेंगी मम्मी से, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, है कि नहीं। अच्छा, मान लीजिए कोई कुछ सोच रहा है बैठ के और आपको लग रहा है कि ये कुछ सोच रहा है, तो आप क्या कहेंगी, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, तुम किस बारे में सोच रहे हो या तुम किस बारे में सोच रही हो, ठीक है। व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट, ये जानते हैं, बार बार बोलेंगे ना तो आपकी इंग्लिश भी स्ट्रांग होगी। विच ऑफ दीज पेन्स डिड यू राइट विथ, तुम इनमें से किस पेन से लिख रहे हो, ठीक है। इस तरह से बेटा मीनिंग को समझ करके रीडिंग किया करिए। अब एक्सरसाइज तो आगे बहुत ईजी है, इसमें क्या करना है आपको, प्रेपोजिशन आपको पिकआउट करना है और उसका ऑब्जेक्ट बताना है। रमन लिव्स नियर अस, नियर क्लियर है कि नियर प्रेपोजिशन है और अस इसका ऑब्जेक्ट है। टू है नियर, फॉर, इन, ऑन, अबव, बिलो, अंडर, ये सब बेटा प्रेपोजिशन है, ठीक है। फॉर लिस्ट है पूरी इसकी, अभी बताएंगे, तब तक कुछ काम की बातें मैं और बता दूं जहां ध्यान देना जरूरी है। आप वैसे तो एक बात और जान लीजिए कि प्रेपोजिशन लर्न करने वाली चीज होती है, रटने वाली, कहीं कहीं कोई फार्मूला लागू नहीं होता, लेकिन कहीं कहीं होता भी है। जैसे कि देखिए, कोई बड़ा शहर है या स्टेट है, उसके पहले हम इन लगाते हैं, आई लिव इन उत्तर प्रदेश, स्टेट है, आई लिव इन कोलकाता, बड़ी सिटी है, लेकिन टाउन के लिए, छोटे कस्बे के लिए हम लोग एट लगाते हैं। भुवनेश्वर के लिए भी एट लगाया है इन्होंने, ठीक है। तो प्लेस बताता है ये, वी डिड आवर क्लास वर्क एट स्कूल, ठीक है, ये स्कूल ना कह के एट स्कूल। इसके अलावा देखिए, फेस्टिवल्स के नाम के पहले भी एट आता है, जैसे देखिए सेकंड वाला एग्जाम्पल है, बेल केम होम एट क्रिसमस। सीजन के नाम के पहले इन आया है, इन समर, वही हमने कहा ना बेटा, ये ना इसे बार बार रीडिंग करिए, थोड़ा लर्न करिए, उसी से प्रेपोजिशन आपका स्ट्रांग होगा। डेज के नाम के पहले ऑन, जैसे ऑन सैटरडे, ऑन संडे। डेट है उसके पहले भी ऑन, ऑन 15 अगस्त, गांधी जी वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, इस तरीके से। मॉर्निंग के पहले इन द मॉर्निंग। अब इन और इनटू में क्या फर्क है, मैं बता रही हूं। देखिए, इनटू जो है, इनटू ये मूवमेंट शो करता है और इन जो है वो एक ही जगह पर है आदमी, ये शो करता है। अब जैसे
आई वॉज सिटिंग इन द लाइब्रेरी, ठीक है, मैं लाइब्रेरी में बैठा था, तो वहीं पर था, यहां से वहां जाने वाली कोई बात नहीं, मैं वहीं पर था लाइब्रेरी में। और हम कहें कि ही वेंट इन टू द ऑडिटोरियम, वो ऑडिटोरियम में गया, या ही वॉज गोइंग इन टू द ऑडिटोरियम, वो ऑडिटोरियम में जा रहा था। तो ये देखिए, जहां पर मूवमेंट है वहां पर इनटू, और जहां स्थिरता है, स्टेबिलिटी है, वहां पर इन। यही बात ऑन और अपॉन में भी होती है। स्थिरता बताता है ऑन को, ठीक है, द डॉग वॉज सिटिंग ऑन द टेबल। अपॉन मूवमेंट बताता है, द डॉग वॉज जंपिंग अपॉन द टेबल, अपॉन मूवमेंट बताएगा, ठीक है। अब बाई और विथ के बारे में थोड़ी जानकारी सुनिए ध्यान से, बुक से उतना, खैर पढ़िए बुक से, ये थोड़ी की बुक बेकार चीज है, लेकिन सुनने से ज्यादा बातें ध्यान आती है। देखिए, कहीं जाने आने का साधन है ना, तो आप ये कभी नहीं कहते हैं कि आई वॉज ट्रेवलिंग इन ट्रेन, क्या कहोगे, बाई ट्रेन, बाई बस, इस तरीके से। और किसी इंस्ट्रूमेंट के पहले विथ आता है, जैसे He hit the small boy with a stick. स्टिक यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है। I cut the cake with a knife. नाइफ यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट है, तो इसके साथ with. Between और among का फर्क देखिए, जब दो लोग के बीच ही बात हो रही हो, जैसे दो लोगों के बीच, दो, एक तरफ राम है, एक तरफ श्याम है, पर बीच में मोहन खड़े हैं, दो लोग के बीच, तो मोहन इज बिटवीन राम एंड श्याम, ठीक है, जब केवल दो की बात होती है तो वहां पे बिटवीन आएगा, और जब दो से ज्यादा की बात होगी तो वहां पे अमोंग आएगा। देखिए, मोहित डिस्ट्रीब्यूटेड द चॉकलेट्स अमोंग हिज क्लासमेट्स, अपने क्लासमेट्स में बांटा है चॉकलेट मोहित ने, दो से ज्यादा लोग हैं तो यहाँ पे अमोंग आया है, कि दो ही लोग होते तो बिटवीन आता, ठीक है। ऑन, ओवर, अंडर, एबव, बिलो, देखिए इसमें एबव और बिलो तो हायर लेवल और लोअर लेवल को डिनोट करता है, और ओवर और अंडर, ओवर का मतलब जैसे द ब्रिज इज ओवर द रिवर, यानी ब्रिज जो है वो कवर कर रहा है रिवर को, थोड़ा ही कवर कर रहा है लेकिन कर रहा है। द कैट इज अंडर द टेबल, टेबल कवर कर रहा है कैट को, तो अंडर एवर एबव, सॉरी अंडर और ओवर में कवर वाली बात आ जाती है। ओवर समथिंग का मतलब कि किसी चीज को कवर किया जा रहा है, द ब्रिज इज ओवर द रिवर, यानी ब्रिज कवर कर रहा है, मीन्स नहीं है, मतलब जब ऐसी पोजीशन हो तब ओवर का यूज किया जाएगा, जब कोई जैसे ब्रिज कवर कर रहा है रिवर को तब ओवर द रिवर हम यूज करेंगे। अंडर द टेबल यहां पर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि टेबल कवर कर रहा है बिल्ली को, कैट इज अंडर द टेबल, ये मतलब होता है। तमाम एग्जांपल्स हैं, देखिएगा, लेकिन खास बात मैं बताऊंगी खुद। बिसाइड और बिसाइड्स क्या फर्क है, देखिए बिसाइड और बिसाइड्स में, बिसाइड का मतलब होता है बगल में, और बिसाइड्स मीन्स होता है अलावा। जैसे आई एम सिटिंग बिसाइड यू, मैं तुम्हारे बगल में बैठी हूं, ठीक है। अब सुनिए, बिसाइड्स राम एवरीवन केम, यानी राम के अलावा हर कोई आया, ठीक है। तो बिसाइड यानी बगल में, और बिसाइड्स
थिंग्स अपार्ट विथ या अलावा हिंदी में कहें। देखिए पेज नंबर 55, ठीक है, कुछ प्रेपोजिशंस का दिया हुआ, जैसे अकॉर्डिंग के साथ हमेशा डू आएगा, एक्ट ऑन, एडिक्टेड टू, अफ्रेड ऑफ, एग्रीड विथ, एम्ड के साथ एट आता है, एनॉयड के साथ विथ। देखिए हमने कुछ टिक लगाया है, ये टिक आपको भी दिखाई पड़ रहे हैं, ठीक है, जो जो टिक लगाया है आप भी उसको टिक करेंगे, वो बहुत कॉमन चीजें हैं, मैंने जरूरी समझा कि वो तो आपको आना ही चाहिए इसलिए टिक लगाया गया है, तो टिक वाला ही मैं रीडिंग कर रही हूँ। अवेयर के साथ ऑफ, अवेयर ऑफ, बिलोंग्स टू, ब्लेम फॉर, बोस्ट ऑफ, बॉर्न ऑफ, बाउंड टू, कॉल्ड ऑन, चार्ज विथ, कॉन्ग्रेचुलेटेड ऑन हिज सक्सेस, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ, डाइड ऑफ, पूरा सेंटेंस पढ़िएगा, मेन फोकस करिए किसके साथ क्या लग रहा है, कभी कभी डिफरेंट यूजेस भी हो जाते हैं लेकिन आप पूरा सेंटेंस पढ़िए, जैसे कि डाइड ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, बीमारी के पहले आ रहा है ऑफ, बीमारी से कोई मरा है तो, फेथफुल टू, ताजमहल इज फेमस फॉर, एमएस धोनी इज वेरी गुड एट क्रिकेट, इन क्रिकेट नहीं एट क्रिकेट, इंसिस्टेड ऑन, इंटरेस्टेड इन, जेलस ऑफ, सीनियर टू, देखिए सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रायर, ये जितना अर 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 है ना सबके साथ टू लगता है, ठीक है, सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, प्रायर, सुपीरियर, सबके साथ टू लगता है, नॉक के साथ हमेशा एट लगता है, नॉक एट, कब, जब दरवाजा बजाने का सेंस हो तब, ठीक है, वैसे तो और भी फ्रेजल वर्ब होते हैं लेकिन जब नॉक यानी नॉक करना, दस्तक देना उसका सेंस हो तो नॉक एट हमेशा आएगा, लिसन के साथ हमेशा टू आता है, हम लोग कहते ना स्टूडेंट्स लिसन टू मी मतलब मेरी बात ध्यान से सुनो, और देखो ये बहुत लोग मिस्टेक करते हैं, मैरिड के साथ हमेशा टू आता है, ठीक है, राम वॉज मैरिड टू सीता, विथ सीता नहीं, टू सीता, बहुत लोग मिस्टेक करते हैं इसमें, विथ लगाते हैं मैरिड के साथ, नहीं मैरिड के साथ टू लगेगा, प्रीफर के साथ भी टू लगता है, इसे जूनियर सीनियर के साथ टू लग रहा है, प्रीफर इसके साथ भी टू, प्राउड के साथ हमेशा ऑफ आएगा, ठीक है, सेटिस्फाइड विथ, देखिए यहां सुपीरियर टू का यूज हुआ है, टायर्ड ऑफ, थिंक ओवर, वेटिंग फॉर, वेट के साथ हमेशा फॉर आता है, आई एम वेटिंग फॉर यू, ठीक है बेटा, जो जो मार्क लगा है दिख रहा है क्लियर आपको मार्क, ठीक है, बिल्कुल मार्क क्लियर दिख रहा है, आप जितने भी मार्क्ड वाले हैं उनको आप जरूर लर्न करिए और बाकी सब की रीडिंग करिए ताकि आपका नॉलेज बढ़े, और उसको लर्न करेंगे उसमें से एग्जाम में भी आएगा, फिर उसके बाद एक्सरसाइजेज है मान लीजिए, ठीक है बेटा, अभी लेसन ओवर हो गया आपका, सोल्यूशन जा रहा है, बहुत कायदे से करिए और उसको भी बार बार रीडिंग करिए, बार बार रीडिंग करेंगे तो आपकी जुबान पे खुद चढ़ जाएगा कि अच्छा इसके साथ ये आएगा, ठीक है ना बेटा, थैंक यू बेटा।